डियर फ्रेंड, ग्रेविटेशन जो चैप्टर नंबर 10 है, इसका हम सेकंड पार्ट का वीडियो हम देख रहे हैं। और सेकंड पार्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिसके मेन टॉपिक मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दे दिए हैं। और मेन टॉपिक में क्या क्या देखने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्या क्या मेन पॉइंट हैं, तो देखिए, इसके पहला है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर बाद में क्या है, थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, बायंसी एंड बायंट फोर्स क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द बायंट फोर्स, आर्कमिडीज प्रिंसिपल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आर्कमिडीज प्रिंसिपल एंड डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये इतना पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। और इस पॉइंट को हमने क्या करना है, वन बाय वन हम आराम से स्लोली स्लोली सीखेंगे कि क्या है ये, ठीक है। जिसमें हम पार्ट वन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखे हैं, तो इसमें भी हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स देख रहे हैं। तो देखिए, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इन सर्कुलर मोशन अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी इज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेज, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए, ध्यान देना, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीप्यूगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, इन सर्कुलर मोशन अ फोर्स मस्ट एक्ट ऑन अ बॉडी एज इट्स डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलता है। व्हेन मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पाथ, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू मून फॉर सर्कुलर मोशन। वो सर्कुलर मोशन में रहते हैं तो उनको ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कहते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि वो सर्कुलर मोशन में मूव करते रहें, ठीक है। व्हेन प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द प्लैनेट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट, सर्कुलर मोशन में अगर है तो उसमें जो फोर्स में लगता है वो बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगता किधर है, सेंटर की तरफ लगता है। ध्यान देना कि उसका फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। मतलब अगर पहले वाले पॉइंट को अगर मैं देखूं कि व्हेन मून जो है रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर पथ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द मून फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक ऐसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि जैसे सपोज ये सर्कुलर पथ है, यहाँ पे इसमें मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका फोर्स का डायरेक्शन कैसे होगा, इस तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा, फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। और दूसरा एक होता है, मतलब ऐसे फोर्स होगा, ऐसे फोर्स लगते जा रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स लगते जा रहे हैं, अंदर की तरफ फोर्स उसका अट्रैक्शन होगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। वो सेंट्रीफ्यूगल कैसे होता है, ये बाहर की तरफ इसका फोर्स होता है, ये इस प्रकार से उसमें इम्पेलर लगे रहते हैं कि बाहर की तरफ वो फोर्स देता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आगे देख लेते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। तो थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस इज कॉल्ड एज ए थ्रस्ट। क्या बोलते हैं, फोर्स एग्जर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर द सरफेस, सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर लगता है, तो उसको बोला जाता है थ्रस्ट। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर इज डिफाइंड एज अ थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन द सरफेस, पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। मतलब क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर जो है वो क्या होता है, फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया हो जाता है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे फोर्स देखिए तो न्यूटन होता है और एरिया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड एज अ पास्कल, एसआई यूनिट क्या है इसका, पास्कल होता है। देखिए, वन पास्कल इक्वल टू क्या होता है, वन
पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ध्यान देना, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा सा डिफरेंट है, बट याद रखना कि 1 पास्कल इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब 1 मेगा पास्कल इक्वल टू क्या होता है, मेगा क्या होता है, गीगा क्या होता है, तो ये भी मैं पॉइंट बता देता हूँ कि मेगा मतलब 10^6 मीटर और गीगा मतलब 10^9, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फिर आगे पॉइंट देख लेते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेशर के बारे में। फैक्टर अफेक्टिंग प्रेशर क्या है, प्रेशर डिपेंड ऑन 2 फैक्टर, किसके 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसमें पहला होता है कि फोर्स अप्लाइड उसके ऊपर और दूसरा होता है एरिया ऑफ सरफेस, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड होता है कि फोर्स अप्लाइड, जो फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो और उसके सरफेस एरिया जिसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है उसका सरफेस एरिया कैसा है। सिंस प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, सो प्रेशर इंक्रीज विथ डिक्रीज इन सरफेस एरिया। ऑब्वियसली जितना मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा अगर उसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, और डिक्रीज होगा कब, जब उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये पी मैं प्रेशर को बता रहा हूँ और एरिया, ध्यान दो, अगर ये प्रेशर बढ़ेगा कब, अगर इसकी एरिया सरफेस एरिया अगर बढ़ रही है तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अगर प्रेशर ये इसकी एरिया घट रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन डेली लाइफ क्या है, तो डेली लाइफ में क्या है प्रेशर का एप्लीकेशंस। द बेस ऑफ हाई बिल्डिंग इज मेड वाइडर टू स्प्रेड द वेट ऑफ द होल बिल्डिंग ओवर ए लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच लेस प्रेशर एक्ट ऑन द ग्राउंड। देखो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया है कि देखोगे कि अगर कोई भी चीज़ बनाया जाता है, कोई भी अगर बिल्डिंग बनाई जा रही है, तो उसका जो बेस है वो क्या होगा, ज़्यादा वाइडर होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है, ज़्यादा स्प्रेड होगा, जिससे क्या होता है कि होल बिल्डिंग, उसकी जो भी होल बिल्डिंग ओवर लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू लेस प्रेशर एक्ट ऑन द ग्राउंड, तो इस तरह से वो टिका रहता है। फिर देखिए, स्कूल बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप सो डैट द वेट ऑफ स्कूल बैग्स फॉल ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ द शोल्डर एंड द प्रोड्यूस लेस प्रेशर, हैंस मेकिंग इट ईजी टू कैरी, ये भी एक एग्जाम्पल है। फिर बाद में, द ब्लेड्स ऑफ नाइव्स आर मेड शार्प सो डैट ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑन इट अ लार्ज प्रेशर इज प्रोड्यूस ऑन द वेरी स्मॉल सरफेस एरिया दस कटिंग द ऑब्जेक्ट ईजली, ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट हो वो ईजिली कट जाएगा। अब प्रेशर इन फ्लूड, प्रेशर इन फ्लूड के बारे में हम देख लेते हैं कि प्रेशर इन फ्लूड, तो एनीथिंग डैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड, जो कुछ भी फ्लो हो रहा है उसको फ्लूड बोलते हैं। अब फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसके कुछ तो लोड होगा, फ्लूड है, उसके मास हैं, उसके अंदर कंटेंट हैं, तो उसके कुछ लोड होंगे उसके कारण, तो उसके अगर लोड हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रेशर भी उसमें पता चलेगा। और फ्लूड तो हमें पता चलेगा कि जो भी फ्लो होता है वो फ्लूड है, एनीथिंग डैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूड, जैसे लिक्विड एंड गैस है। अब मॉलिकुलर्स ऑफ ए फ्लूड मूव्स रैंडमली एंड कोलाइड विथ वॉल ऑफ वेसल दस फ्लूड अप्लाई प्रेशर ऑन वॉल, क्या करते हैं, प्रेशर ऑन वॉल, फ्लूड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये अपने पास्कल का लॉ इन्होंने यही दिया था कि फ्लूड एग्जर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। बायंसी एंड बायंड फोर्स क्या होता है, बायंसी क्या होते हैं और बायंड फोर्स क्या होता है वो बता देता हूँ। फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूड ऑन ए सॉलिड विच इज पार्शली और फुली सबमर्ज इन लिक्विड इज कॉल्ड एज द बायंड फोर्स एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज ए बायंसी। बायंस फोर्स एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूड, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, फ्लूड की डेंसिटी के ऊपर डिपेंड होता है, ये भी ध्यान में रखना है कि फ्लूड की डेंसिटी क्या होती है उसके ऊपर भी ये
डिपेंड है। अब फैक्टर ऑपरेटिंग बाय एंड फोर्स क्या हो जाता है, देखो बाय एंड फोर्स मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे एक एग्जांपल से। जैसे कि ये कोई बकेट है और इसके अंदर ये पानी है, ठीक है, ये पानी की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। तो कोई एक ब्लॉक यहाँ पर मतलब अंदर की तरह सबमर्ज किया गया, तो इसको अब इसको नीचे अंदर जाने से ऊपर की डायरेक्शन में एक फोर्स जो रेजिस्ट करता है, रोकता है, उसको नीचे नहीं जाने देने से रोकता है, तो उसी फोर्स को बोला जाता है बायंसी फोर्स। क्या बोला जाता है? बायंसी फोर्स बोला जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोला कि फैक्टर अफेक्टिंग द बायंट फोर्स किसके ऊपर, एक तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पहले ही यहाँ पर डिस्कस कर दिया, दूसरा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड, कि जो भी लिक्विड के अंदर इमर्ज कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड होता है। आगे देख लेते हैं, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट सिंक और फ्लोट ओवर वाटर, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है कि कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है, कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्लोट करता है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन को अच्छी तरह से अगर बताने के लिए बताएं तो प्रिंसिपल दिए थे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो उससे पहले कुछ और जो पॉइंट दिया है वो देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन वाटर इट एक्सेप्ट प्रेशर ओवर वाटर ड्यू टू इट्स वेट, एट द सेम टाइम वाटर ऑल्सो एक्सर्ट अपवर्ड थ्रस्ट बाइंड फोर्स ओवर द ऑब्जेक्ट, इफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर दैन द बायंस फोर्स ऑफ वाटर द ऑब्जेक्ट सिंक इन वाटर। ऑब्वियसली अगर बायंस फोर्स जो लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर वो कम है, ठीक है, तो क्या होगा, डूब जाएगा। बायंस फोर्स क्या है, जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स है लोड अप्लाई हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है बायंस फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इफ द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द बायंस फोर्स तो ऑब्जेक्ट इज फ्लोट ओवर द वाटर। ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना कि बायंसी फोर्स अगर कम है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो फोर्स एग्जर्ट हो रहे हैं उसका और बायंसी फोर्स के बीच का रिलेशनस यही बताता है, अपोजिट रिलेशन बताता है कि अगर वेट, अगर बायंसी फोर्स का जो लोड है, बायंसी फोर्स है और जो ऑब्जेक्ट का फोर्स है, अगर वो फोर्स ज़्यादा है तो बायंसी फोर्स, अगर कम है तो क्या होगा, डूब जाएगा, और बायंसी फोर्स ज़्यादा है तो फ्लोट करेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस को हम देख लेते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि इट स्टेट डैट व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुली और पार्शियली इन ए फ्लूड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स डैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस बाय इट। कहने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उस वस्तु का जो वेट है उसके द्वारा हटाए गए वाटर के वेट के इक्वल होता है, ये उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। अब एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या दिए थे, तो इट इज़ यूज इन डिजाइनिंग शिप और सबमरीन, सबमरीन और शिप को डिजाइन करने के लिए इसका प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी यूज करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर यूज टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे भी लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन किया जाता है हाइड्रोमीटर यूज करके। लैक्टोमीटर यूज किया जाता है डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ मिल्क आर ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के बेस पे लैक्टोमीटर का हेल्प करके हम किसी भी मतलब मिल्क का प्योरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और इसी प्रिंसिपल के से किसी भी लिक्विड की डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। ध्यान देना, हाइड्रोमीटर डेंसिटी अगर किसी भी लिक्विड का मेजरमेंट करना है तो हाइड्रोमीटर यूज करते हैं, और प्योरिटी ऑफ मिल्क करना है तो लैक्टोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है, ये कहीं पे अच्छी तरह से लिख लेना कि हाइड्रोमीटर और लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिटरमाइन करने के लिए और लैक्टोमीटर प्योरिटी ऑफ मिल्क। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल शिप मेड आयरन स्टील फ्लोट इन वाटर वेयर वेज ए स्मॉल पीस ऑफ आयरन लाइक नेल सिंक इन इट। मतलब ये कह रहे हैं कि इस ये प्रिंसिपल की हेल्प से ये रीजन हमारा मतलब कन्फ्यूजन दूर हो जाता है कि एक आयरन और स्टील का बना हुआ बोट जो सीप बना हुआ है वो फ्लोट करता है, और वही अगर एक नेल है आयरन का तो वो डूब जाता है, तो ये उसका एक बेस्ट एग्जांपल है, ये प्रिंसिपल उसका कन्फ्यूजन दूर कर देता है। अब डेंसिटी क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मास अपन वॉल्यूम कह सकते हैं, मास अपन वॉल्यूम,
तो उसी को डेंसिटी बोला जाता है। और डेंसिटी मेटर मेजर करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हाइड्रोमीटर। ऊपर ही है, ध्यान देना। SI यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यों, ये ध्यान देना, ठीक है। फिर उसके बाद से रिलेटिव डेंसिटी अब देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, उसी को बोला जाता है रिलेटिव डेंसिटी, या स्पेसिफिक वेट बोला जाता है, ध्यान देना, स्पेसिफिक वेट भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं लिख दूँ स्पेसिफिक वेट, सॉरी स्पेसिफिक वेट नहीं बोलते हैं, इसको बोला जाता है, चलो रिलेटिव डेंसिटी के नाम पे याद रखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है इसको, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ऑफ ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है। जिसका क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, इट हैज़ नो यूनिट, इसका क्या होता है, यूनिट नहीं होता है। एप्लीकेशन ऑफ डेंसिटी, एप्लीकेशन क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन डैट ऑफ ए लिक्विड, इट विल फ्लोट ओवर डैट लिक्विड। मतलब कोई भी वस्तु है, ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा है तो क्या करेगा, एंड इफ़ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन डैट ऑफ लिक्विड, इट विल बी फ्लोट ओवर डैट लिक्विड। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी लोअर देन डैट ऑफ लिक्विड, इट विल सिंक इन डैट लिक्विड। When the relative density of a substance is less than 1, it will float in water, otherwise it will sink in water. ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। देखिए एक तरह से मैं थोड़ा और अच्छे से समझा दूँ कि पहला जो पॉइंट बोला है कि इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी अगर अधिक है, ज़्यादा है, डेट ऑफ लिक्विड, इट विल फ्लोट ओवर दैट लिक्विड, लिक्विड के ऊपर ये फ्लोट करेगा। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी लोअर दैन डेट ऑफ लिक्विड, इट विल सिंक इन द लिक्विड। और रिलेटिव डेंसिटी कोई भी सब्सटेंस का एक से कम हो तो वाटर पे फ्लो करेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़े हैं, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके सामने इसको रख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप खुद सॉल्व करें, खुद समझें। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो मैं तो आगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व तो कराने वाला हूं, और भी इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो सॉल्व कराने वाला ही हूं, फिर भी आप इसको अपने खुद से ट्राई करें कि ताकि आपका खुद का एक बेस, खुद आप अपने थिंकिंग से आप कुछ भी, कुछ अगर कोई पढ़ाया जाता है तो आप खुद के अपने बेस से आप कुछ लिख सकें, कुछ बना के कुछ कर सकें। क्योंकि हर जगह पे आपको सब कुछ कॉपी या बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा तो फिर आप खुद से ओन से कुछ न्यू नहीं कर पाएंगे, समथिंग डिफरेंट नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो सबसे पहले आपको मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, टू वीडियो में ये थियरी पार्ट मैंने कंप्लीट किया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैंने थियरी पार्ट एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपके पास उसके आंसर होने चाहिए, आप उसको रिप्लाई देने के कैपेबल होने चाहिए कि ताकि उसके रिलेटेड आपके माइंड ओपन हो सके। आपका माइंड तभी क्रिएटिव हो सकता है कि जब आप खुद से क्वेश्चंस का सलूशन बनाना चालू कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस का सलूशन बना लेंगे, फिर बाद में रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से ये वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसके रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें और आप इसका बेनिफिट ले सकें। So thank you for watching this video.